अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, और आज मैं आपको बताऊंगी कि फिंचेस को कैसे इंक्रीज किया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, और अगर कोई एज अ बिजनेस इसे यूज़ करना चाहे। पर मैं ऐसा कोई बिजनेस नहीं करती इन बर्ड्स का, क्योंकि मुझे ये बर्ड्स बहुत पसंद है और मैंने अपने पास ही रखती हूँ। मैं इनको बिल्कुल सेल आउट नहीं करती। अगर कोई मुझसे कहता भी है, इंसिस्ट भी करता है कि हम एक फिंच का जोड़ा देते हैं या बेचते हैं, तो भी मैं पैसों में भी नहीं देती, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और जो चिड़ियाँ मैंने पाली हूँ उनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं देती किसी को, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मैंने पाली होती हैं, मुझे प्यारी होती हैं, तो मैं उन्हें बिल्कुल नहीं देती कहीं। अच्छा जी, और दूसरी बात ये, तो आज मैंने आपको बताना था कि ये किस तरह इंक्रीज की जाती हैं, कैसे बढ़ाई जाती हैं चिड़ियाँ। और ये मेरे पास सिर्फ दो थी, और दो फिंचेस से मैंने किस तरीके से इनकी जो है इनको इंक्रीज किया है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी। और जो बर्ड्स लवर हैं तो वो ज़रूर इस वीडियो को देखें उनको, ताकि पता हो कि किस तरीके से हम अगर फिंच लें और उसको जो है बढ़ाना चाहें तो वो कैसे बढ़ाएँ। तो अच्छा जी, होता ये है कि मौसम का भी बहुत इफ़ेक्ट होता है इन फिंचेस पर, और मौसम की वजह से भी जो है ये बहुत खुशगवार फील करती हैं अपने आप को। और मैं इनकी केयर सबसे बड़ी चीज़ होती है, केयर अगर आप बहुत अच्छी इनको देंगे तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। तो मेरा एक जोड़ा जो सबसे ओल्ड जोड़ा है, ये जिसका ये वाइट कलर का ये आपको देख रहा है ना जो जोड़ा है, मुसलसल ये मेरा सबसे पहला जोड़े का नर है, और इसकी फीमेल जो है वो अभी भी अंडों पर है अंदर, तो इसी से ही ग्रोथ बढ़ी है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बढ़ती चली गई। और हुआ तो ये था कि मैंने जो है ना एक फिंचेस का जोड़ा लिया, छोटा सा पिंजरा था मेरा, उसमें फिर मैंने देखा इन्होंने एग्स देना शुरू किए, फिर मैंने इनकी जो ये जो कनकी खाती है वो मैंने बहुत अच्छी वैरायटी की ली, रेड वाली भी वाइट वाली भी मिक्सिंग में ली। फिर मैंने मसीन जो है ना अच्छा कुछ देने की कोशिश की, इनके बारे में मैंने सर्चिंग करी, मैंने कभी वाइट राइस दिए, कभी मैंने कोरिएंडर लीव्स दे दी, कभी जब सर्दी का मौसम था तो मैंने अंडे के छिलके भी डाल दी। बाकी ये समंदरी चाल, कैल्शियम वगैरह ये सब इनके पास मौजूद होना चाहिए। नेस्टिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करती थी मैंने, हमारा तो एरिया भी ऐसा है कि यहाँ बहुत नेस्टिंग होती है, मतलब घास वगैरह काफ़ी होती है इधर, तो वो जब सूख जाती है, ब्राउन हो जाती है, बहुत होती है, तो वो मैं अक्सर डाल देती थी। अभी मैं इनको कम दे रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ भी हैं और इतनी घास में फिर कीड़े वगैरह हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ये होता है कि एक तो जो है कि कीड़े नहीं होते इतने, और दूसरा ये है कि इनको नेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होती है ताकि इनको वो न लगे सर्दी, और ये फिर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। फिर माशाल्लाह से इनके बच्चे बड़े हुए, उनके पेयर बनवा दिए मैंने, फिर उनके भी बच्चे हुए, फिर जो बच्चे अलग थे उनके किसी और से पेयर बन गए। इस तरीके से माशाल्लाह से जो है ये मेरी फिंचेस जो है ना बढ़ती गई। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी अपने ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के बारे में कि वो किस तरीके से पढ़े। ठीक है, उनका पेयर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, वो बहुत मुश्किल से उनका पेयर बनता है, वो पेयर अंडे देते हैं, फिंचेस बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल से बताऊँगी, अभी इजाज़त चाहती हूँ।